हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। सो आज मैं आपसे कराने वाला हूँ सैंपल 10th साइंस टर्म 2 पेपर। यानी है ये सैंपल पेपर है 10th क्लास का साइंस टर्म 2 के पेपर्स के लिए। सो ये CBSE और PSC भी दोनों के लिए ही है। टाइम है इसके लिए 2 आवर्स और टोटल मार्क्स है 40। सबसे पहले सेक्शन 1, सो 5 क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स। सो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने नीचे इनको सॉल्व भी किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आर लाइफ। सो इसका आंसर है, pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड एज फूड एंटर्स द स्टमक। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। गिव वन एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, सो वो यहाँ पर दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन, वट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल, राइट इट्स फॉर्मूला। एथेनॉल ऑल्सो कॉल्ड एथियल एल्कोहल और एल्कोहल, अ मेम्बर ऑफ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are given the general name alcohols. It molecular formula is C2H5O H01. Fourth question, state 2 ways to prevent the rusting of iron. So इसका answer है, coating the iron surface with oil, grease or paint. Second, depositing a layer of zinc on the iron surface. This process is called galvanization. Fifth question, what happens at the synapse between two neurons? Synapse is the gap between the two neurons. At synapse, the electrical signals are converted into chemicals that can easily cross over the gap and pass on to the neurons, where it again converts into electrical signals. So, अब ये है section 2. 6 questions, each carry 3 marks. First question, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? So, देखो, ये question मैंने read कर दिया first question. So, इसका answer है, acids have an acidic behavior due to the presence of hydrogen ions. Since hydrogen ions can only be formed in the presence of water, water is required for JKL acids to exhibit acidic behavior. So, अब आगे second question, what is hydrogenation? What is its industrial application? So, इसका answer है, addition of hydrogen to an unsaturated carbon compound is called hydrogenation reaction in industry. Hydrogenation reaction is used for preparing vegetable ghee from vegetable oils. तीसरा यानी थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंजियम प्रेजेंट इन सलाइवा। सो इसका आंसर है, सलाइवा कंटेन स्पेशल एंजियम्स दैट हेल्प डाइजेस्ट द स्टार्चेस इन योर फूड। एन एंजियम कॉल्ड एमिलेज ब्रेक डाउन स्टार्चेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं स्टार्च इनटू शुगर्स which your body can more easily absorb. Saliva also contains an enzyme called lignolipase which breaks down fat. Fourth question, what is geotropism? Name the parts of positive and negative geotropism of plant. Geotropism is a movement of or growth of plant parts in response to force of gravity. Roots are positive and stem is negative. Geotropism of plant. आगे ये है सेक्शन 3, जिसमें 3 क्वेश्चंस है, इन टोटल 3 क्वेश्चन है जिनमें चॉइसेस दी गई हैं। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 2 चॉइसेस है। सेकंड क्वेश्चन है, उसके 2 चॉइसेस है। थर्ड क्वेश्चन, वो उसके 2 पार्ट्स है, वो तो आपको वैसे ही करने पड़ेंगे। सो मैं सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो चॉइस वाले हो चाहे वो बिना चॉइस वाले, सभी कर दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट इट्स फंक्शन। सो देखो, नंबरिंग में गलती हो सकती है, मैंने जैसे नंबरिंग में अलग अलग नंबरिंग लिखी हुई है। सो
विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट अलोंग द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड. प्लेटलेट्स प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. नॉर्मली व्हेन वन ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड यू स्टार्ट टू ब्लीड. योर प्लेटलेट्स विल क्लॉट, जिसको कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लम्प टुगेदर, टू प्लग द होल इन द ब्लड वेसल एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोथ्रॉपिक्स एंड हेटरोथ्रॉपिक्स. जिसका आंसर है ऑटोथ्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोथ्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोथ्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज हेटरोथ्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड अपॉन ऑटोथ्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशन. फोर्थ क्वेश्चन, वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो इसका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वाइल एल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन. फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रियल ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. सिक्स्थ क्वेश्चन, वट इज एन आयोनिक कंपाउंड. वाई आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेस सॉल्यूशनर मोल्टन फॉर्म ओनली. आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन एक्वेशियस सॉल्यूशन बिकॉज देयर आयन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड एज देयर आयन्स आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजिशंस एंड कैन नॉट बी मूव्ड. सेवन्थ क्वेश्चन, वट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन. सो ये हमारा क्वेश्चन सेवन्थ. Variations in species help them to adapt themselves to that particular environment and give them a chance of survival. For example, thermophilic bacteria and variants that are resistant to extreme temperature. So, अब ये हमारा last question है. What is vegetative propagation? So, इसका answer है vegetative propagation is an asexual method of plant reproduction that occurs in its leaves, roots and stem. This can occur through fragmentation and regeneration of specific vegetative parts of plant. So, आज की वीडियो इतना ही. मैं आपसे खुलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.